क्या है, क्या कुछ व्यवस्था चल रही है? देखिए, जैसा कि आपको पता है, पूरे फरीदाबाद में 144 सीआरपीसी की धारा लगी हुई है। तो इसमें कुछ लोगों ने हाईवे को जाम करने की कोशिश करी थी यहाँ पे, तो पुलिस ने उनमें से करीब 65 लोगों को राउंड अप करा हुआ है अभी। और जैसा कि आपको पता है कि हाईवे को जाम करने के लिए 5 साल की सज़ा होती है, तो इन पे FIR दर्ज की जाएगी और उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं यह सभी यूथ से यही बोलूँगा कि वो अपना कोई भी प्रदर्शन करना चाहते हैं उसको पीसफुल तरीके से करें, कानून को अपने हाथ में नहीं लें। अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई उसमें पूरी करेगी। लोग थे उस दौरान, कितने युवक इकट्ठा हुए, क्या कुछ ऐसा स्थिति हुई, कुछ इनपुट आए आपके पास और अब खदेड़ने का काम क्या है? देखिए, हमारे पास जो इनपुट आया था और जैसा कि आप लोगों ने देखा भी था कि कुछ लोगों ने पथराव करा था हाईवे के ऊपर और पुलिस ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए उनको राउंड अप कराए। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर इस टाइप की हरकत कोई करता है, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होती है, तो पुलिस पूरे स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ उन पर कार्रवाई करेगी। चोटें भी आई हैं कुछ साथियों को? जी, हमारे साथियों को भी चोटें आई हैं, उनको भी पत्थर मारे गए हैं, लेकिन हमने पुलिस ने काफ़ी बहादुरी से इनको राउंड अप किया है और हम इसी सतर्कता से और सख्त तरीके से इन पर कार्रवाई करेंगे। बिशप साहब, जिस तरीके से पहले ही व्यवस्था बना ली गई थी, बीते दिन ही बात करें तो धारा 144 जी, फिर भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो लोग राउंड अप किए हैं, क्या पता चल पाए कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या ये आर्मी से कोई रिलेटेड है इनका कोई सिस्टम? देखिए, पुलिस इसमें पूरी अभी पूछताछ कर रही है, पूछताछ अभी जारी है और इन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से ये मैसेज सर्कुलेट करा था कि इस जगह पे इकट्ठा होना है और पथराव करना है। तो हमने इसलिए इस पे इनपुट आने के ऊपर स्विफ्ट एक्शन लिया है और आगे भी इसी तरीके का एक्शन होता रहेगा। तो मैं सारे यूथ से यही बोलूँगा कि अगर इस टाइप की कोई कार्रवाई FIR दर्ज होती है तो उनको ना कि प्राइवेट सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो कोई भी वो अगर डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसको पीसफुल तरीके से करें, कानून अपने हाथ में कोई नहीं लेगा। सर, जिस तरीके से अगर फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो फिलहाल स्थिति नॉर्मल कर दी गई है और इसके अलावा अगर पुलिस की बात की जाए तो और क्या, क्योंकि अगर कुछ और हो उसको कैसे निपटा जाएगा? देखिए, अभी सिचुएशन कंट्रोल में है और हमारे लगभग 2000 पुलिसकर्मी अभी ऑन रोड हैं जो किसी भी गतिविधि को पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। तो अगर कोई भी इस तरीके की सिचुएशन डेवलप होती है तो हम उसको काफ़ी प्रोफेशनली डील करेंगे।